सिंगरौली में मीजल्स रुबेला अभियान के तहत टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने उप स्वास्थ्य केंद्र के विभिन्न स्थानों पर जाकर बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया। वहीं लोगों को अधिक से अधिक टीकाकरण कराने के लिए अपील भी की। सिंगरौली जिले के चितरंगी में मीजल्स रुबेला अभियान के तहत टीके लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीका लगाया और गर्भवती महिलाओं का बीपी, वजन और एचपी की जांच भी कराई गई। चितरंगी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर हरिशंकर वैश्य ने निर्देशित किया कि 9 माह से 5 वर्ष के हर बच्चों को मीजल्स रुबेला का टीका लगाया जाए, साथ ही हर गर्भवती महिला को भी टीकाकरण के साथ साथ उनकी जांच की जाए, जिसके बाद हर आंगनवाड़ी केंद्र में ANS की टीम भेजकर टीकाकरण कराया गया। इस दौरान आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिकाओं ने घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण से होने वाले फायदे के बारे में जागरूक किया और अपील करते हुए कहा कि सभी बच्चे और गर्भवती महिलाएं आंगनवाड़ी केंद्रों में आकर टीकाकरण कराएं। मैं उप स्वास्थ्य केंद्र खुरमुचा के सिस्टर हूं। यहां एक्चुअली जो यहां पर कोरसर गांव में कर्मचारी नहीं होने के कारण यहां की जो सिस्टर है छुट्टी में चले जाने के कारण हम लोगों को यहां टीम वर्क कराया जा रहा है, जिसमें तमाम उप स्वास्थ्य केंद्र की वहाँ की ANS यहाँ आके टीकाकरण का आयोजित कर रहे हैं। और इसमें अभी हमारा एक अभियान चल रहा है जिसमें मीजल्स रुबेला उन्मूलन, इसके तहत हम अभी यहाँ जहाँ जहाँ MR के बच्चे, मतलब मीजल्स और रुबेला के जो छूटे हुए बच्चे हैं, 1 साल से 5 साल तक के जो भी बच्चे हैं छूटे हुए हैं, उनको हम जाके गांव-गांव में अब जहाँ कर्मचारी नहीं है, जहाँ छुट्टियों में चली गई है, वहाँ जाके हम यहाँ पर टीकाकरण कर रहे हैं। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।